जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मेरा 75 आवर चैलेंज का डे 67। सुबह उठ के भगवान को बोला थैंक यू, इसके बाद पिया 1 लीटर पानी, इसके बाद फ्रेश होके थोड़ी देर बाद किया होम वर्कआउट शुरू, किया थोड़ा ABC एक्सरसाइज, इसके बाद शोल्डर के लिए किया ओवरहेड डंबल प्रेस, चेस्ट के लिए किया डंबल प्रेस, इसके बाद किया सीटेड बाइसेप कर्ल। मैं बहुत दिन से सपाटे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ का इंजरी अभी तक नहीं ठीक हुआ है। इसके बाद लगाया डंबल में पुशअप, इसके बाद किया इंक्लाइन पुशअप, बाइसेप कर्ल, किया ये वाला एक्सरसाइज, लेग के लिए किया फ्रंट स्क्वाट, शोल्डर के लिए किया ये वाला एक्सरसाइज, इसके बाद किया लंजेस। आप लोगों में से किस किस को लेग वर्कआउट पसंद है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद किया कार्ब रेज और सुमो स्क्वाट करके वर्कआउट कर दिया ख़त्म। इसके बाद नहा धो के खाया चावल दही और केला, 40 मिनट बाद पिया पानी, इसके बाद मैं बैठ गया गीता पढ़ने। मेरा तो लगभग 2 बार गीता कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों में से कौन कौन रोज गीता पढ़ते हैं कमेंट में बताएं। इसके बाद मैंने खाया चावल सब्जी के साथ, 40 मिनट बाद पिया पानी और थोड़ी देर घर का काम करने के बाद मैं निकल गया दूसरे वर्कआउट करने। इसके बाद ग्राउंड जाके किया 3.5 किलोमीटर रनिंग, इसके बाद किया 8 स्प्रिंट, इसके बाद किया 85 पुशअप, इसके बाद किया 50 नॉर्मल स्क्वाट, इसके बाद किया 50 बर्पी जंप। एब्डोमिनल का वीडियो डिलीट हो गया है। इसके बाद मेरा देसी बाइक पर चढ़ के आया घर, घर पे आके नहा धो के खाया चावल, घर पे किया 10 मिनट वॉकिंग बारिश के कारण, AS के सेल्फी। इसी के साथ आज का सप्ताह कंप्लीट। बोलो या लिखो जय श्री कृष्णा।